नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। चरखी दादरी में कोरोना महामारी के समय लगाए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों को हटाए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सर्व कर्मचारी संघ के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने रोज गार्डन में एकत्रित होकर शहर भर में प्रदर्शन करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान लघु सचिवालय परिसर में पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने नौकरी बहाली को लेकर मुख्यमंत्री के नाम CTM को ज्ञापन सौंपा। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि कोरोना महामारी के समय उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए अपनी ड्यूटी निष्ठापूर्वक निभाई और कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिन रात मेहनत की, लेकिन अब सरकार की ओर से उनको नौकरी से निकाल दिया गया है, जो कि बहुत निंदनीय है। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने बताया कि सरकार जल्द से जल्द स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहाल करे। अगर सरकार की ओर से उनको बहाल नहीं किया गया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। वहीं दादरी CTM नरेंद्र कुमार ने बताया कि स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है, इसको नियमानुसार आगे भेजा जाएगा। ज्ञापन में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कौशल विकास निगम को रद्द करने और हटाए गए स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहाल करने की मांग की है। चरखी दादरी से हमारे संवाददाता विकास ओहल्यान की रिपोर्ट। मेरा नाम संजय है और डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी कोविड का उप प्रधान एंड कोषाध्यक्ष हूँ। हाँ जी बोलिए, क्या कुछ मसला है? देखिए, जो कर्मचारी कोविड के तहत लगाए गए हैं और सरकार ने अब उनको निकाल दिया है बिना नोटिस दिए, बिना इन्फॉर्म किए, और हम कहाँ जाएं? अब इस पर हमने सभी कोविड साथियों ने निर्णय लिया है कि हमने एक अपना ग्रुप बनाया है, एक संघ बनाया है, जो सरकार को हम अपने विचारों को सरकार तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें हमारे साथ सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य हैं, उन्होंने भी हमारा अब वह भी हमारा साथ दे रहे हैं। मनीषा है, मैं सील हॉस्पिटल COVID-19 में लगी हुई हूँ, जिला प्रधान, और आज हम यहाँ से रोड शो करते हुए DC को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। क्या कुछ मांग? हमारी मांग ये है कि हमें वापस बहाल किया जाए, ठीक है, और कौशल निगम को भंग किया जाए, जो कि हम पंचकुला भी ज्ञापन दे के आए थे, ठीक है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि हम आपकी बात आगे तक पहुंचाएंगे। ये तो एक झूठ मूठ का ही नारा लगाया गया था। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही देना था तो बेटियों को रोड पर क्यों बिठा दिया गया, क्यों उनको नौकरी से निकाल दिया गया? मैं तो सरकार की घोर निंदा करती हूँ और उनसे यही अपील करती हूँ कि हमें बहाल किया जाए। आगे की रणनीति यही है, अगर ये हमारी मांगों को मानते हैं तो ठीक है, न जो ये आंदोलन है ये बहुत ही विकराल रूप लेगा। ये सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से हमें दो ज्ञापन प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला तो ये है, जो हरियाणा रोजगार कौशल निगम है उसका ये बहिष्कार कर रहे हैं, तो इसके बारे में इन्होंने ज्ञापन सौंपा है। दूसरा, कोविड के दौरान जो सरकारी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस में जो कर्मचारी लगाए गए थे उन्हें सरकार की तरफ से हटा दिया गया है, तो ये उसके खिलाफ भी इन्होंने एक थोड़ा रोष प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा है। तो जो इन सर्व कर्मचारी संघ के दो ज्ञापन हैं वो हम उचित माध्यम से CM साहब के नाम हैं, उनको हम आगामी कार्रवाई के लिए भेज देंगे। सर, लोकल स्तर पर भी इस दिन को लगाया गया था, तो क्या लोकल प्रशासन जो है इनको वापस लगाने के बारे में विचार कर सकते हैं? देखिए, ये मेरे ख्याल से पॉलिसी डिसीजन है, तो जैसे ही सरकार के दिशा निर्देश होंगे उसके अकॉर्डिंग आगामी कार्रवाई की जाएगी। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।